अस्सलामुअलैकुम MR न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मारिया खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस लैया से अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलेंगे। चौक आजम लैया रोड पर ट्रक की कार को टक्कर, कार का फ्रंट मुकम्मल तबाह। अल्लाह ताला के करम से कोई जानी नुकसान नहीं। कार चौक आजम से लैया की तरफ जा रही थी। लैया से आने वाला तेज़ रफ्तार ट्रक नज़्म मूसा अड्डा के करीब GRI कार 2021 मॉडल को सामने से टक्कर मार दी। कार का फ्रंट मुकम्मल तबाह। पुलिस थाना चौक आजम बाबा जाकूब पेट्रोलिंग पुलिस लधाना मोड़ मौके पर पहुँच गई। बाबा जाकूब गुजर ASI ने ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस की असला नाजायज रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई। मुख्तलिफ कार्रवाई के दौरान असला नाजायज रखने के 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान समी अब्बास और एहसन हमजा गिरफ्तार। इसके अलावा 8 राउंड भी बरामद हुए। मुकदमा दर्ज। SHO मोहम्मद अफजल की सरबराही में सब इंस्पेक्टर यादगार हुसैन ने कार्रवाई अमल में लाई। थाना सदर पुलिस की कार्रवाई। मुजरिम इश्तहारी दीन मोहम्मद गिरफ्तार। ASI नज़ीर अहमद ने कार्रवाई अमल में लाई। मुजरिमान इश्तहारियों को कानून की गिरफ्त में लाकर जराइम में कमी लाई जाएगी। SHO थाना सदर लैया। डिप्टी कमिश्नर असफ़ ज़िया ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपने शहरियों के रेवेन्यू से मुतालिका मसाइल को फौरी हल करने में इंतहाई संजीदा हैं। उनकी हिदायत पर दूसरे रोज़ भी रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया ताकि शिकायत का अजाला करके फौरी रिलीफ मुहैया किया जा सके। तहसील ऑफिस लैया में अवामी खिदमत कचहरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फ़याज़ अहमद नदीम, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी शिजा रहमान और दीगर मौजूद थे। अब तक के लिए इतना ही। खबरों की मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।